सारी भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं कितनी ही अच्छी बनी है। आप ज़रूर इस तरीके से लाजमी बना के देखें, इसे लस्सी और रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े की हैं। अपने बच्चों को भी बना के दे, जो बच्चे नहीं खाते वो भी खाएंगे। आधा किलो भिंडी इसे मैंने अच्छी तरह वाश कर लिया है, अब इसे काट लेंगे। इसी तरह इसके लंबे लंबे पीस बना लेने हैं, जिसके अंदर दाने हो वो निकाल लेने हैं। सबको इसी तरह काट लेंगे। सारी भिंडियों को मैंने कट लगा ली है, आप देख सकते हैं। एक प्याली बेसन डाल लेंगे, दो चम्मच चावल का आटा डाल लेंगे, एक अंडा डाल लेंगे, एक चमची नमक डाल लेंगे, एक चमची पिसी हुई लाल मिर्च, एक चमची हल्दी पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन डाल लेंगे, आधी चमची पिसा हुआ जीरा डाल लेंगे, एक चमची बेकिंग पाउडर डाल लेंगे, आप इसमें मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी डाल लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इसका बैटर तैयार कर लेंगे। इसे ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है। इसे अच्छी तरह मिक्स करना है, एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं। इसे मैंने पतला भी नहीं किया और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं किया, आप देख सकते हैं। अब बेसन को 5 मिनट तक रहने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार दोबारा मिक्स कर लेंगे। अब भिंडियों को बेसन लगा लेंगे, बेसन के अंदर डिप कर लेंगे। इससे अच्छी तरह बेसन लगाना भिंडी को, आप देख सकते हैं। ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब भिंडियों को डाल लेंगे, इसी तरह इसे डिप करते जाना है और डालते जाना है। अब इसे 2 मिनट तक पकने देंगे, जो हमने पहले डाली थी भिंडी उसे हटा लेंगे। अब ये वाली साइड से भी 2 मिनट तक पकने देंगे, बाद में सुलटाएंगे। इसे ब्राउन होने के बाद में ही सुलटाना। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसे दोबारा उलटा लेंगे, आप देख सकते हैं। ये वाली साइड से भी भिंडी हमारी ब्राउन हो चुकी है। ये बहुत ही टेस्टी होती है, आप ज़रूर एक बार बना के देखें, बच्चों को बना के दें। जो बच्चे आपके नहीं भी खाते वो भी खाएँगे। अब चूल्हे को बंद कर देंगे, इसे जलने बिल्कुल भी नहीं देना। अब इसे बाहर निकाल लेंगे। सारी भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं कितनी ही अच्छी बनी है। आप ज़रूर इस तरीके से लाजमी बना के देखें, इसे लस्सी और रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े की हैं। अपने बच्चों को भी बना के दे, जो बच्चे नहीं खाते वो भी खाएंगे।